गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल सिंह एंड टुडे वी आल्सो रीड अबाउट क्लास सेकंड चैप्टर 5 एडजेक्टिव। जैसा कि पिछले वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, विशेषण की डिफिनेशन और एक्सरसाइज ए एंड बी को कंप्लीट कर चुके हैं और उसका पीडीएफ भी आपको भेजा जा चुका है। आज हम एक्सरसाइज सी को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम दी दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब जो भी नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उसमें से जो करेक्ट सुटेबल एडजेक्टिव हो उनको चूज करके क्या करना है, सेंटेंस में फिल करना है। ओके, जैसे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या है, कुछ फिल करना है और उसके जस्ट सामने क्या दिया गया है, दो एडजेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, दो विशेषण दिए गए, उन्हीं में से कोई एक सुटेबल, मतलब जो उसके लिए सुटेबल हो उस सेंटेंस के लिए, उसको चूज करके क्या करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट, द पॉकेट इज वेरी, तो क्या होगा, यंग, हैवी, तो इसमें क्या होगा, यंग मीन्स जवान होता है, तो हैवी क्या होगा, जो पॉकेट है क्या है, बहुत भारी है। ओके, तो क्या फील करेंगे, हैवी। सेकेंड, दिल्ली इज ए सिटी, राउंड बिग, राउंड मीन्स क्या होता है, गोल गोल, बिग, तो क्या है, दिल्ली क्या है, सुटेबल एडजेक्टिव क्या है, दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो क्या फील करेंगे, बिग। थर्ड, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज ए गुड हैबिट, हमें बड़ों की क्या, बड़ों की रिस्पेक्ट करना क्या होती है, कैसी आदत होती, अच्छी या बुरी, गुड या बैड, तो गुड, क्या फील करेंगे, गुड। ओके, द जिराफ है जे नेक, जिराफ है जे लॉन्ग या शॉर्ट, जिराफ जो क्या, कैसा उसकी गर्दन कैसी होती है, लंबी या छोटी, तो क्या फील करेंगे, लॉन्ग। ओके, व्हेन इट रेन्स द रोड्स गेट, जब बारिश होती है तो क्या, जो सड़कें होती हैं कैसी हो जाती है, कीचड़ से भर जाती हैं। ओके, तो क्या, मडी मीन्स क्या होता है, कीचड़, ड्राई मीन्स सूखा, तो क्या फील करेंगे, मडी। सिक्स, इन विंटर वी लाइक टू हैव ड्रिंक्स, ठंडी में हम कैसा ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, गर्म, यानी ठंडी में हम गर्म ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब डी एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव। मतलब सेंटेंस को लिखिए, क्या करना है, उसमें जो अंडरलाइन है एडजेक्टिव उसका क्या करना है, अपोजिट लिखना है। ओके, तो सेंटेंस सेम रहेगा लेकिन जो अंडरलाइंड है उसका क्या, अपोजिट हमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, फर्स्ट, द टेबल इज डर्टी, क्या है, मेज गंदा है, तो इसका क्या हो जाएगा, द टेबल इज क्लीन। ओके, डर्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लीन। ओके, सेकेंड, रोहन वर न्यू क्लोज, रोहन ने क्या है, रोहन ने नया कपड़ा पहना था, रोहन वर ओल्ड क्लोज, सॉरी, न्यू के जगह क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। सारे सेंटेंस वही रहेंगे, जो अंडरलाइन एडजेक्टिव हैं उनका हम अपोजिट कर देंगे। थर्ड, द मैन इन ए ब्लू शर्ट इज रिच, जो नीला शर्ट वाला आदमी है वो क्या है, अमीर है, तो अमीर का क्या हो जाएगा, पुअर, रिच का क्या हो जाएगा, पुअर, तो क्या हो जाएगा, द मैन इन अ ब्लू शर्ट इज पुअर। ओके, फोर्थ, शिल्पा हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, शिल्पा के पास क्या है, लंबा काला बाल है, शिल्पा हैज शॉर्ट ब्लैक हेयर, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ओके, फिफ्थ, द रेड बॉक्स इज एम्प्टी, जो लाल बक्सा क्या है, खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेड बॉक्स इज फुल, लाल बॉक्स क्या है, भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब ई एक्सरसाइज, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेज, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स बिलो। मतलब एक शब्द, मतलब जो नीचे दिए गए फ्रेज हैं उनके लिए क्या, एक शब्द लिखना है। ओके, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स बिलो, और जो नीचे दिए गए बॉक्स हैं उनमें से एक चूज करिए, यानी एक शब्द, इन सेंटेंस के लिए क्या, एक शब्द चूज करना है। समथिंग द कॉस्ट अलॉट, मतलब कुछ चीज़ें जो बहुत महंगी होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक वर्ड, कॉस्टली, क्या, कॉस्टली। ओके, Someone who shows a lot of courage, कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बहादुरी होती है, उसको क्या कहते हैं, courageous। ओके, वन वर्ड क्या होगा उनके लिए, courageous। थर्ड, a cake full of cream, एक केक क्या पूरा क्रीम से भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, क्रीमी। ओके, a person full of greed, एक व्यक्ति जो क्या है लालच से भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, greedy, लालची। ओके, अब बेंच, अ बीच फुल ऑफ सैंड, एक क्या बीच पूरी तरह रेत से भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, सैंडी। सिक्स, समवन हु हैज गुड मैनर्स,
मतलब कुछ लोग के पास क्या बहुत अच्छे आचरण के होते हैं, यानी उनके पास बहुत अच्छे व्यवहार, बहुत अच्छे आचरण, उनको क्या कहते हैं, वेल मैनर्ड, उनको क्या कहते हैं, वेल मैनर्ड। ओके भाई, ये एफ एक्सरसाइज, कंप्लीट द एडजेक्टिव ऑल द वर्ड्स एंड इन वाई। ओके, जो मतलब क्या है, जो एडजेक्टिव हैं उनको पूरा करिए, ऑल द वर्ड्स, और सारे वर्ड्स किससे खत्म हो रहे हैं, वाई से। अपोजिट ऑफ लाइट, अपोजिट ऑफ लाइट, लाइट का अपोजिट क्या होगा, हैवी, लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स भारी। नॉट क्लीन, साफ नहीं है, उसको क्या कहेंगे, डर्टी। ओके, थर्ड, नॉट डिफिकल्ट, कठिन नहीं है, उसको क्या, जो चीज़ कठिन नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, ईजी, ई ए एस वाई। अ लार्ज नंबर, अधिक नंबर, जिस जो अधिक नंबर वाला उसको क्या कहते हैं, मेनी, एक से अधिक को क्या कहते हैं, मेनी। वेरी स्मॉल, अत्यधिक छोटा, टीनी। नॉट वेट, क्या हो, नॉट वेट, गीला नहीं हो, जो गीला नहीं उसको क्या बोलते हैं, ड्राई, सूखा। सेवन, अपोजिट ऑफ फुल, इम्प्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सी डी एंड ई एफ एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।